हेलो दोस्तों, स्वागत है विलिस इज़ ट्रैवलिंग के एक नए वीडियो में। रिसेंटली मैंने माउंट आबू का ट्रिप किया था, तो मैंने सोचा माउंट आबू टूर प्लानिंग पे एक डिटेल वीडियो बना दूँ, जिससे अगर आप लोग भी माउंट आबू टूर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। ये वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर दूँगा और यकीन मानिए, अगर आप माउंट आबू टूर प्लान करोगे तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे, पहला हम वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, दूसरा माउंट आबू के लिए कितने दिन चाहिए हमें, तीसरा वहाँ पे कौन सा होटल अच्छा है, कौन से प्लेसेस पे हमें रुकना चाहिए, ये भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे वहाँ पे कैसे घूम सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या ऑप्शन है। उसके बाद हम कवर करेंगे कौन कौन से प्लेसेस हम विज़िट कर सकते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका क्या बजट होगा। तो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहो तो मेरे माउंट आबू टूर प्लान के डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, और अगर आप वो वीडियोस भी देख लोगे तो भी आपको माउंट आबू टूर प्लानिंग और उसके जो प्लेसेस है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, वहाँ पे कैसे पहुँचा जाता है। माउंट आबू पे अगर आपको जाना है तो सबसे बेस्ट वे है बाय ट्रेन। बाय ट्रेन आप आबू रोड स्टेशन तक पहुँच सकते हो, और वहाँ से आप बस या फिर व्हीकल करके सीधे माउंट आबू तक जा सकते हो। दूसरा है, अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो भी आप इजीली जा सकते हो। उसके बाद का जो पॉइंट है, वहाँ पे कहाँ पे रुकना है हमें, उसके लिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक होटल है, वो सबसे सस्ता होटल है, और लोकेशन वाइज जो माउंट आबू का मार्केट है वहाँ से काफ़ी नज़दीक है। और दूसरा होटल है, वो थोड़ा बजट होटल है, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। तो पहला जो होटल है वो है होटल सरस्वती। तो ये एक काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी पुराना होटल है, और आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाएगा। और मेन एडवांटेज ये है कि ये जो मार्केट है वहाँ पे ही है, तो आप इजीली वहाँ पे आसपास के प्लेसेस जो है वो घूम सकते हो। जो होटल सरस्वती है वो काफ़ी अच्छा होटल है, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो, उसके रूम्स और बाकी सब एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे आपको पार्किंग का फैसिलिटी भी मिल जाता है, और ये होटल आपको तकरीबन 1000 रुपीज़ के आसपास में मिल जाता है। और अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो दूसरा जो होटल है वो है होटल मगन जी। तो ये एक गार्डन होटल है, वहाँ पे आप चाहो तो रुक सकते हो, फैमिली के लिए भी काफ़ी बेहतर है। और वहाँ पे भी आपको सब एमिनिटीज़ मिल जाएगी, आप देख सकते हो वीडियो में उसके रूम्स कैसे हैं। रूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन थे, साथ ही साथ पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी है, और गार्डन भी अवेलेबल है। तो ये दो होटल मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जो दूसरा होटल है होटल मगन जी, वो आपको तकरीबन 2500 रुपये के आसपास में मिलेगा। तो आपका कम बजट है, लो कॉस्ट में स्टे करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा होटल होटल सरस्वती है, आँख बंद करके चले जाओ, फैमिली के लिए भी अच्छा है। और दूसरा जो होटल है वो है होटल मगन जी। तो ये दो बेस्ट होटल है जो मैंने आपको सजेस्ट किए। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है माउंट आबू घूमने के लिए हमें कितने दिन चाहिए। अगर माउंट आबू आपको अच्छे से घूमना है तो आपको 2 दिन चाहिए, या फिर अगर आप 3 दिन आपके पास है तो आप बहुत आराम से वहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन माउंट आबू घूमने के लिए 2 दिन चाहिए, तब जाके आप सभी प्लेसेस को घूम पाओगे। उसके बाद का जो पॉइंट है, आप वहाँ पे घूम कैसे सकते हो, उसके लिए दो ऑप्शन है। पहला है कैब हायर कर सकते हो, वो आपको तकरीबन 2000 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़ में पर डे के हिसाब से मिलेगा। तो ड्राइवर आपको सभी प्लेसेस घुमा देंगे, उसके लिए आपको खर्चा आएगा 2000 से 2500 रुपये। लेकिन दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो है आप वहाँ पे रेंटेड स्कूटर या बाइक ले लीजिए, जो आपको मिलेगा 200 से 300 रुपये में। अगर हाई सीज़न है तो शायद 350 में मिल जाएगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आप किसी भी होटल में रुकोगे तो वहीं पे होटल पे ही आपको बोलोगे तो वो लोग आपको रेंटेड स्कूटर या फिर बाइक दे देंगे, या फिर वहाँ पे जो मार्केट है माउंट आबू मार्केट, वहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप है, तो वहाँ से भी आप रेंटेड स्कूटर या बाइक ले सकते हो।
ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 2 दिन आप ले लो, 500 रुपये में आप आराम से घूम सकते हो, पेट्रोल आपको डलवाना पड़ेगा। उसके बाद का जो पॉइंट है वो कौन कौन से प्लेसेस हमें घूमने चाहिए, तो ये मैं कवर करूँगा डे के हिसाब से। अगर आप पहले दिन हैं तो आप जाइए नकीले, कहाँ पे घूमिए वहाँ पे बोटिंग कीजिए। बोटिंग में आपको तकरीबन 250 रुपये का पर पर्सन का खर्चा होगा, या फिर ड्राइवर हायर करके आप बोटिंग करते हो तो फिर आपको 800 रुपये के आसपास खर्चा होगा। और नकी लेक के आसपास ही 2-3 प्लेसेस है, वो आप वहाँ पे ही घूम लीजिए। जिसमें से दूसरा है वो है टोड रॉक, वो बहुत ही अच्छी जगह है। उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप चाहो तो वो भी प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है, वो देख सकते हो। तो टोड रॉक एक तरह से आपको ऊपर जाना है, वहाँ पे एक शेप में रॉक है और वहाँ से आपको नकी लेक और उसके जो आसपास का एरिया है वो पूरा दिखाई देगा। तो ये एक अच्छी जगह है, वहाँ पे आप आधा घंटा 1 घंटा निकाल सकते हो और साथ ही साथ अच्छे फ़ोटोज़ भी आएंगे आपके। उसी के पास में एक हनीमून पॉइंट है, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हो। तो हनीमून पॉइंट पे भी आप जाइए, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, सनसेट इन्जॉय कीजिए, और रात में आप नाइट मार्केट का टूर कर सकते हो। मतलब मार्केट घूमिए, वहाँ पे अगर कुछ शॉपिंग करना है तो कीजिए, खाना पीना खाइए, तो आपका पहला दिन इस तरह से ख़त्म होगा। उसके बाद दूसरे दिन आप सुबह में गौमुख तीर्थ चले जाइए। ये प्लेस मस्ट है माउंट आबू में विज़िट करने के लिए। क्यों ज़रूरी है वहाँ पे जाना, अगर वो जानना है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। लेकिन माउंट आबू में सबसे अच्छी जगह मुझे ये गौमुख तीर्थ ही लगी। और वहाँ पे आपके पास 2 से 3 घंटे होने चाहिए, तो सुबह में चले जाइए, क्योंकि सुबह में 7 बजे के आसपास आप जाओगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होगा और आपको मज़ा आएगा। या फिर सुबह में आपसे मैनेज नहीं होता है तो फिर शाम को 3 बजे के बाद जाइएगा। तो सुबह में गौमुख तीर्थ जाने के बाद आप जाइए गुरु शिखर, जो सबसे फेमस पॉइंट है माउंट आबू में और सभी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाने में आपका 40 मिनट्स टू 1 आवर हो जाएगा। तो वहाँ पे जाइए, गुरु शिखर पे एक मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का, और उसके बाद वो टॉप का शिखर है, तो वहाँ से जो भी व्यू मिलता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और आप अच्छे फ़ोटो खींच सकते हो। गुरु शिखर के रूट में ही दूसरे 2 प्लेसेस भी है, जिसमें से एक है अचलगढ़ फोर्ट। तो अचलगढ़ फोर्ट में नीचे भगवान शिव का मंदिर है, और उसके बाद आप ऊपर फोर्ट पे जाना चाहो तो जा सकते हो, वहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन अचलगढ़ फोर्ट मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास जगह नहीं लगी, तो अगर आपके पास दिन कम है तो आप उसे अवॉइड कीजिए। और उसके बाद है डेलवाड़ा टेम्पल, तो वो भी आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मंदिर है और उसी रूट पे आता है, तो आप विज़िट कर सकते हो। और उसके बाद शाम को आप जाइए सनसेट पॉइंट, तो वहाँ पे आप सनसेट देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो इस तरह से आपका 2 दिन का जो टूर प्लान है वो ख़त्म होता है। अगर आप 1 दिन के लिए जाते हैं तो नकी लेक और उसके आसपास जो एरिया है, टोड रॉक, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट, वो कवर कर दीजिए। अगर आपके पास 2 दिन है तो मैंने जैसा बोला उस हिसाब से आप जाइएगा, तो आपके सभी पॉइंट आसानी से कवर हो जाएंगे और आप अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका बजट कितना होगा। देखिए, इसके अंदर अगर बजट ऐसी चीज़ है जो आप क्या खाते हो पीते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम अगर हम कम से कम लेके चले तो कपल का तकरीबन 5,000 से 6,000 के अंदर आप अच्छे से माउंट आबू 2 दिन घूम सकते हो। और अगर आप फ्रेंड के साथ जा रहे हो तब तो 2,000 में ही आप अच्छे से घूम पाओगे। तो ये मैंने आपको माउंट आबू टूर की सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर की, आप चाहो तो मेरे डिटेल वीडियोस भी देख सकते हो, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया आ जाए। और माउंट आबू टूर पे आपको कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको हेल्पफुल रहे आपके टूर प्लानिंग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।